फैमिली भी देखनी है, मम्मी पापा को देखना है, फिर बहुत सारा काम है, खाना पीना, दोस्त यार, सब चीज तो देखना रहता है, लेकिन वो काम प्रेशर नहीं डालते हैं। तो हमारे दिमाग पर प्रेशर जानते हैं क्यों रहता है? हम उठते दूसरा का काम करने लगते हैं, मम्मी पापा के पास नाश्ता पानी हेन तेन सब करने लगते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अभी तक हम नाश्ता नहीं किया है, मतलब पूरा जब बैच खत्म हो जाता है बीच में थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पर पढ़ा के फ्री हो जाते हैं, फिर खाना वाना खा लिए, फिर YouTube वाला चीज को एडिट उडिट कर लेते हैं, न्यूज वालों को न्यूज लिख के दे देते हैं। जैसे ये मेरा तीन काम कंप्लीट, मेरे दिमाग से प्रेशर खत्म। तो याद रखिएगा, आपका दिमाग किसी भी काम को दो कैटेगरी में बांट देता है। एक होता है इंपॉर्टेंट काम, जो आपको हर हाल में करना ही है, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप इसे कर लेंगे तो फिर आपका काम जो बाकी काम है उस पर प्रेशर नहीं लगता है। लड़का क्या करता है, उसको पता है कि उसे होमवर्क करना है, उसे पता है कि उसे पढ़ाई करना है, वो मोबाइल उठाता है लेकिन यूट्यूब पे चला जाता है, फिर फेसबुक खोलने लगता है, कुछ 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 करता है। ब्रेन उसको इंडिकेट कर रहा है ये सब गलत है, छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो मेन काम है उसको कर दीजिएगा तो दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा, कहेगा आप कोई बात नहीं, तू यूट्यूब चलाओ, कुछ करो, अपनी वाली से वीडियो कॉल करो, ओ माय गॉड तुम एकदम सियार लग रही हो, तू कहेगी ओ माय गॉड तुम भी एकदम जोम्बी लग रहे हो, अपना इतना तारीफ करते रहिए एक दूसरे, माइंड का प्रेशर हो गया। याद रखिए, जो आपका मेन काम है अगर वो नहीं हुआ तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पढ़ने वाले लड़के अगर सक्सेस होते हैं तो 8-8, 10-10 घंटा 15-15 घंटा लड़के जो पढ़ते हैं आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 3-4 घंटा पढ़ने वाला लड़का सक्सेस होकर चला जाता है, बिकॉज उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं है, कभी भी प्रेशर नहीं है। एग्जाम लड़का यही बेवकूफी करता है हर जगह, वहां पर एग्जाम में जाएगा ना तो 40 क्वेश्चन पे टिक मार के रंग ले रहेगा, लेकिन अभी OMR पे गोला नहीं भरा है, तो उसका दिमाग प्रेशर मारेगा, रे बकलोलवा टाइम कम है पहले गोलवा भर दे, तो प्रेशर वाला काम हटा दीजिएगा। चलिए, दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है, ये इसी फॉर्मूला से हम यहाँ लिख दिए बस इसको। अब एक बात बताइए, कहीं हमको प्रेशर लगाना है, क्या करना है, प्रेशर लगाना है तो हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तो हम पढ़े लिखे थोड़ी होंगे। पढ़े लिखा इंसान उसी को कहा जाता है जो कम मेहनत करके ज्यादा सक्सेस हो जाए।